जो इस लॉकडाउन में अभी गोरा नहीं हुआ वो भविष्य में किसी क्रीम पर खर्चा ना करे। भैया कर्फ्यू और लॉकडाउन जब खुलेगा अरे दादा तो मेरे जैसे कुछ निकम्मे लोग यही भूल जाएंगे कि पहले वो काम क्या करते थे। अरे दादा दादा, दो तरह की लड़कियों के पीछे कभी मत भागो दोस्तों। एक वो जिसके पीछे मैं हूँ क्योंकि वो तुमसे कभी पटेगी नहीं, दूसरी वो कि जिसके पीछे मैं नहीं हूँ क्योंकि मुझसे जब वो नहीं पटी तो तुमसे क्या खाक पटेगी। चलो बताओ मंकी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बंदर। आपने बुक में देख के बोला ना? नहीं, मैंने तो उसको देख के बोला। पहले कुत्ते पकड़ने की गाड़ी घूमती थी, इंसान मजे लेता था। अब इंसान को पकड़ रहे हैं और कुत्ते मजे ले रहे हैं। हर कुत्ते का दिन आता है। कौन? नीचे देख, नीचे नीचे नीचे। हाँ बोलो, कौन है? अरे मैं शूज बोल रहा हूँ। शूज? शूज बोल रहे हो? हाँ बोलो। अबे कब पहनेगा हमें? बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया। नो 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 नो। कोई गर्लफ्रेंड ना मिलने से परेशान है तो कोई पढ़ाई से परेशान है। मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि जब कैमरा गोल है तो फोटो चौरस कैसे आती है। दुनिया कसम, मैं रिसर्च करूँगा, आइंस्टाइन फेल करूँगा। मैं तुम्हें भूल जाऊं जो नहीं सकता। और तुम मुझे भूल, मैं तुम्हें, तुम मुझे भूल। हे माँ, हे माँ, शक्ति देना। गूगल हमें अचानक से रामायण क्यों दिखा रहे हैं? अंतिम समय रामायण देखने से स्वर्ग मिलता है। हम मरने नहीं चाहते भाई। ए भगवान, 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। पर यार मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी कोरोना से इंडिया में डर भी रहा है, उल्टा मजाक बना रखा है इस बीमारी का यार। मतलब कुछ लोग यार देख लो हवन करवा रहे हैं, अभी क्या भूत है वो? अभी चार लौंडे खड़े होके गो कोरोना का नारा लगा रहे, क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो, मतलब मौत को मजाक बना रखा है यार लोगों ने। और वो खुद को एक्शन हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहा है, लोग यहां उसे कॉमेडियन समझ रहे हैं इंडिया में। कोई सीरियसली नहीं ले रहा भाई। और आप इंस्टाग्राम खोल के देख लो, एक से एक मीम बना रखे हैं इस बीमारी पे। और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उसको ये इंडियन मीडिया ने पूरी कर दी। कोई खबर चला रहा है कि दारू और गांजा से नहीं होगा कोरोना।